सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इज लाइफ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच हुए 42वें आईपीएल मैच जो कि बेंगलुरु में हुआ कि फुल मैच हाइलाइट्स के बारे में, और साथ ही बात करेंगे एबी डिविलियर्स की धमाकेदार पारी के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीता और बॉलिंग को ऑप्ट किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से ओपन करने आए पार्थिव पटेल और विराट कोहली। विराट कोहली आज अच्छा नहीं खेले और केवल 13 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन पार्थिव पटेल अच्छा खेले और उन्होंने 43 रन बनाए। उसके बाद आए एबी डिविलियर्स, क्या शानदार पारी खेली इन्होंने। इन्होंने 44 बॉल्स में 7 छक्के और 3 चौकों की मदद से 186 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए और अंत तक खेलते रहे। मोइन अली की बात करें तो वे आज फ्लॉप रहे और केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षदीप नाथ भी अच्छा नहीं खेले और केवल 3 रन ही बनाए, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने अपना दम दिखाया। उन्होंने काफ़ी बढ़िया पारी खेली और 46 रन बनाए। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 202 रन का एक शानदार स्कोर खड़ा किया। अब बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की बॉलिंग की, तो शमी ने 1 विकेट लिया, मुरुगन अश्विन ने 1 विकेट लिया, आर अश्विन ने 1 विकेट लिया और हरदस विलजोई ने 1 विकेट लिया। उसके बाद आई किंग्स इलेवन पंजाब की बैटिंग। ओपन करने आए केएल राहुल और क्रिस गेल। केएल राहुल की हम सभी जानते हैं अब आजकल बढ़िया फॉर्म में हैं। इन्होंने 42 रन बनाए, लेकिन गेल अच्छा नहीं खेले और केवल 23 रन पर ही आउट हो गए। मयंक अग्रवाल अच्छा खेले और 35 रन बनाए, तो इस टीम में सारे प्लेयर्स ने थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। डेविड मिलर भी ठीक खेले और 24 रन बनाए, लेकिन निकोलस पुरन काफ़ी शानदार खेले और उन्होंने 46 रन बनाए। उसके बाद के प्लेयर्स तो बॉलर्स थे वो तो जल्दी आउट हो गए। केवल मनदीप सिंह जो थे वो बैट्समैन थे, 4 रन बनाकर आउट हुए। बाकी आर अश्विन 6 रन बनाकर आउट हो गए, हरदस विलजोई ने केवल 0 रन बनाए और मुरुगन अश्विन ने 1 रन बनाया। इसी के साथ यह टीम इस मैच को हार गई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 17 रन से ये मैच जीत गई। तो इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपना लगातार चौथा मैच जीत चुकी है और लग रहा है कि आरसीबी अब बैक इन टू दी फॉर्म आ चुकी है। तो देखते हैं कि इनका प्लेऑफ तक का सफ़र तय होता है या नहीं। फिलहाल किंग्स इलेवन पंजाब के लिए ये एक बुरी खबर है और ये चीज़ इन्हें पॉइंट्स टेबल में नीचे लेकर जाएगी। आप कमेंट करके बताइए कि आरसीबी की फॉर्म अब उन्हें प्लेऑफ तक ले जा सकती है या नहीं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।